आपको जैसा पता होगा कि मीरा भाईंदर में चुनावी घमासान चल रहा है, कई उम्मीदवार हैं सामने। अभी उनमें से ज़्यादातर उम्मीदवार एक चीज़ कह रहे हैं कि वो जब आएंगे तो दहिसर टोल नाका हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे। मुझे ध्यान में आया कि एजाज खतीब ने एक दहिसर टोल नाका के खिलाफ जो है एक बड़ा आंदोलन किया था, ये बहुत बड़ा आंदोलन था, और उसके बाद क्या हुआ और इन्होंने जब आंदोलन किया तो वो आंदोलन को इन्होंने क्यों पीछे लिया, वहाँ से क्या जवाब आया, जानते हैं एजाज खतीब जी से। आपने मुझे सवाल किया, मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये टोल नाके के लिए मैंने काफ़ी मेरे ऊपर केस भी हुई है, इसके वजह से मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि ये जो भी लोग बोल रहे हैं वो कोई भी टोल नाका हटा नहीं सकता है। हटा सकता है जो आने वाली सरकार में जो नेतृत्व सरकार जो आएंगी, और हमारे आमदार नरेंद्र मेहता अगर वो सरकार से कुछ जो भी उनका वो लीगल में कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन है। लेकिन उन्होंने ये झूठा आश्वासन मेरे ख्याल से उनके इसमें वचननामा में नहीं दिया है, जहाँ तक मैं पढ़ा ये झूठा आश्वासन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने जो काम किए वो बताए और जो करने वाले और होने वाले काम ही उन्होंने बताए। मेरे को अगर मैं इस आंदोलन में नहीं जाता, टोल नाके का मैं आंदोलन नहीं करता, तो शायद इतना कॉन्फिडेंस से मैं नहीं बताता था, और शायद मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद हाँ हो सकता है कि ये हटा सकते हैं और मैं भी उनके बातों में आ सकता था। तो ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने वाली बात है, और आप समझदार हो, गुमराह मत होइए, ये मेरी आपसे दिल के गहराई से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं विनंती करता हूँ, ये चीज़ को आप समझो, हकीकत क्या है और एक सपना दिखाना क्या होता है, आप प्लीज़ समझो ये बात को। जब मैं बहुजन विकास आघाड़ी में था, मेरे नज़र में मीरा भाईंदर के लिए टोल नाका बहुत खटक रहा था। मैं चाह रहा था कि ये मीरा भाईंदर के लिए कैसा भी बन हो जाए, ये मेरी आज भी यही तमन्ना है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो पूरी भी हो जाएंगी, क्योंकि मीरा भाईंदर के लिए ये बहुत बड़ा हमारे लिए जैसा कि एक पहाड़ जैसा हम लोगों ने बहुत बड़ा कोई बड़ा गुनाह किया है उसकी हमको सज़ा मिलती है, ये एक सज़ा है हमारे लिए टोल नाका, जुल्म है हमारे ऊपर। जब मैंने बहुजन विकास आघाड़ी में टोल नाके के खिलाफ मैंने काफ़ी आंदोलन किए, मैंने यहाँ मीरा भाईंदर से बाय रोड मंत्रालय मोर्चा लेके गया था कि मीरा भाईंदर टोल माफ़ होने वाली, फिर वहाँ पर ऊपर ऐड लगती है जहाँ पैसे लेते हैं, वहाँ पर मैंने गले में फांसी लगा के मैं चढ़ा था। फिर हमारे उस वक्त के पार्टी के लीडर थे आमदार क्षितिश ठाकुर आमदार और एक्स महापौर राजू नाना, वो आए और वहाँ फिर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करके नीचे उतारा, और उसके बाद सीएम साहब को हम लोगों ने ये लेटर दिए थे अधिवेशन में क्षितिश ठाकुर जी के साथ जाके। उनका कहना वो टाइम पे ऐसा था कि हम लोग ने बीजेपी सरकार ने सीएम साहब का ऐसा कहना था कि बीजेपी सरकार ने काफ़ी टोल बंद किए जो कर सकते थे, 60-65 के ऊपर महाराष्ट्र में टोल बंद किए हैं उन्होंने। ये क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पहले की जो सरकार थी कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार थी, उन्होंने ये टोल नाका जब एग्रीमेंट करके दिया है MEP जो कंपनी MEP तो बाय बैक का उसमें सिस्टम ही नहीं रखा, वो वजह से बोले हम ये टोल नाका पहली की सरकार की गलती की वजह से, उनकी पॉलिसी की जो गलत पॉलिसी की वजह से ये चीज़ हम नहीं कर सकते। मेरा खास करके मीरा भाईंदर के लोगों को बोलना है कि जब इलेक्शन आता है तब लोग कहते हैं कि हम टोल नाका बंद करेंगे, काफ़ी चीज़ जो नहीं है वो लाएंगे, और जो लाई हुई चीज़ है उसको हम गति देंगे XYZ। मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी जुलमे जुबले है, खाली एक बात है, चुनावी ये गाजर है, आप इनके बातों में नहीं आना, और आप टोल नाका बंद करने की बात है तो जो आज कांग्रेस से खड़े है या जो भी लोग बोलते हैं कि मैं टोल नाका बंद करूंगी, आप लोग इतने साल कहाँ थे,
जब आपकी सत्ता थी आप तोल नाका बंद कर सकते थे, आपके हाथ में ही था सब कुछ, तब आपने ये चीज़ किया नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुंबई एंट्री पॉइंट वाले जितने भी तोल है, ये दूध देने वाली गाय है। तो जो इसके पहले की सरकार थी कांग्रेस राष्ट्रपति की, शायद उनको ऐसा लगा था कि हम भी हमेशा के लिए सरकार में आएंगे, इसके लिए ये जो मुंबई एंट्री पॉइंट के टोल नाके का एग्रीमेंट जो पॉलिसी रहती है वो इन्होंने एक अलग ढंग से बनाए थे। मेरा सीधा सीधा सवाल है कि अगर ये कंडीशंस पे वो टोल नाका है तो अभी जो उम्मीदवार खड़े हैं वो बोलते हैं कि हम जीत करके आएंगे तो टोल नाका मुक्त करेंगे। अभी मैंने रिसेंट में गीता जैन का भी एक पोस्ट देखा, उन्होंने भी ये कहा है कि ये टोल नाका हम आएंगे तो हटा देंगे। जब आपने ये आंदोलन किया, आपको ये जवाब आया, जब उस वो एग्रीमेंट ऐसा है जो नहीं हो सकता, तो ये वादे किस तरह किए जा रहे हैं, आखिर ये लोग कैसे टोल हटाएंगे? मैं बताया ना कि सिर्फ इलेक्शन के पीरियड में ये लोगों को झूठ बोल रहे और गाजर दिखा रहे, ये गलत बात है। टोल नाका इनके आने और नहीं आने से बंद नहीं होगा। और जब मैं आंदोलन कर रहा था तो आपको सही में वो टाइम पे लग रहा था, तो आपने मुझे पाटिम्बा क्यों नहीं दिया? मैं इवन वहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे भी बैठने वाला था। मैंने वहाँ पर जो उसकी फ़ी रहती चेक नाके के, वहाँ एक रोड है उधर मैं फ़ी भी भर दिया था। ठीक है, मैं कहीं मतलब मैं बताया ना कि मैं यहाँ से मंत्रालय तक बाय रोड चले गया, मैंने वहाँ कई बार धरना आंदोलन किया, फांसी पे चढ़ा, किसी का भी मुझे उसमें पाटिम्बा आया नहीं। तब आप लोगों को नहीं दिखा टोल नाका बंद होना चाहिए? ये मेरे ख्याल से 5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। अब इलेक्शन आया तो क्यों आपको ऐसा लग रहा है, क्यों आप लोगों को गुमराह कर रहे, झूठ बोल रहे हो? यानी आपके कहने का मतलब ये नहीं हो सकता, जो चीज़ नहीं हो सकता उसके झूठे वादे किए जा रहे हैं जी, राइट? बिल्कुल, जो नहीं हो सकता है उसके झूठे वादे कर रहे हैं। और मुझे मेरा भयंदर की जनता के ऊपर विश्वास है कि मैं भले आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप ये झूठे वादे और झूठ बोलने वाले से सावधान रहिए। तरक्की सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, वो है नरेंद्र मेहता जी, भारतीय जनता पार्टी के इस आमदार और होने वाले आमदार और होने वाले इंशाल्लाह मिनिस्टर, वही कर सकते तरक्की कर सकते हैं। ये जो लोग आपके पास आ रहे हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो कोई कुछ करने वाला नहीं। आप भी समझदार है, आप भी सोचो कि सिर्फ इलेक्शन में क्यों, इसके पहला क्यों नहीं आवाज़ उठाई गई और क्यों नहीं उसके ऊपर आंदोलन हुए। तो मेरी आप लोगों से, समझदार लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपका वोट कीमती वोट होता है, आप जीतने वाले को वोट दो, तरक्की करने वाले को वोट दो। जब वो तरक्की होगी और आपके वोट से मार्जिन से जब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मेहता जी वो चुन के आएंगे और इस मीरा भाईंदर का विकास होगा, तरक्की होने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि मेरा वोट तरक्की के लिए गया है और जीत के साथ गया है। थैंक यू सो मच एजाज जी, आपने हमसे बात की। तो ये थे एजाज खतीब, जो जिन्होंने ये इस मुद्दे पे टोल के मामले में एक रोशनी डाली कि एक बार नहीं कई बार टोल के मुद्दे को लेकर के इन्होंने आंदोलन किया था, लेकिन इनको जो आंसर आया था उसमें ये आंसर आया था कि यहाँ जो ये जो टोल के एग्रीमेंट बने थे, उस वक्त की सरकार ने जो टोल के एग्रीमेंट को बनाया था उसमें बायबैक पॉलिसी दहिसर टोल नाका की नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो उस हिसाब से ये कोई भी सरकार आए ये नहीं हो सकता। तो शायद एजाज खतीब के मुताबिक ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन विनर होगा, कौन जीतेगा और दहिसर टोल नाके का क्या होगा।